नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गांजा और कोरेक्स पीने से किया मना तो मारी गोली, साथ गिरफ्तार। रांची के काके थाना पुलिस ने खटाल संचालक पर हुई फायरिंग मामले में 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में कांके के रहने वाले सुमित तिवारी उर्फ मिनी तिवारी, लक्ष्मण उराव, आर्यन पासवान उर्फ गोलू, उज्जवल कुमार पासवान, रोहित कुमार, रोशन कुमार झा और राजकुमार सिंह उर्फ बबलू शामिल है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 गोलियां और 3 खोखा बरामद किया गया है। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते 19 जनवरी को खटाल संचालक सोनू वर्मा को गोली मार दी गई थी। SP ने बताया कि खटाल संचालक सोनू गाय को बांधने वाला रस्सी लाने मैदान गए थे तो देखा कि 7 लोग मैदान में बैठे हैं, सभी गांजा और कोरेक्स पी रहे हैं। इसी दौरान सभी ने खटाल संचालक सोनू को गांजा और कोरेक्स पीने का दबाव दिया। सोनू ने नशा करने से सीधे इनकार कर दिया तो सुमित तिवारी उर्फ मिनी तिवारी द्वारा गाली गलौज करते हुए कहा गया कि बात नहीं मान रहे हैं, इसे मारो। इसके बाद सभी सोनू को मारने लगे। इसी बीच सुमित तिवारी अपने कमर से पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग किया और फिर सोनू के ऊपर गोली चला दी। गोली सोनू के कमर में लगी। गोली लगने के बाद सोनू बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने के बाद किसी तरह वहां अपने घर जाकर मामले की जानकारी दी। SP ने बताया कि परिजनों ने घटना की सूचना कांके थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने घायल सोनू को रिम्स में एडमिट करवाया है। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी नीरज कुमार कर रहे थे। SP ने बताया कि मामले में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी टीम में कांके थाना प्रभारी अभिजीत रंजन, वैभव सिंह, ऋषि कुमार सिन्हा, ग्यास खान समेत सशस्त्र बल शामिल थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।